तुम्हारा नाम रामलाल है? हाँ साहब। तुम तो सरकारी कागजों में मरे हुए हो। पिछले साल ही जो पुल टूटा था उसके नीचे दबकर तुम्हारी मौत हुई। तुम्हारे बेटे को सरकार पर से पैसे भी तो मिले थे। साहब सारा गांव ही पैसे ले रहा था तो मैंने सोचा मैं भी। तुम पर तो 400 बीसी का केस बनता है गलत तरीके से पैसे लेने का, वो भी पूरे 5 लाख रुपए। साहब कुछ ले दे के काम हो जाता तो। चलो देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मगर खर्चा पानी लगेगा। साहब उसकी आप चिंता ना करें, मुझे पता है सारे सरकार काम ऐसे ही होते हैं। जितना भी खर्चा पानी लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरा काम बन जाए। देखो शगुन स्कीम के तहत 2 लाख रुपए बनते हैं, सब खर्चा पानी मिलाकर तुम्हें 30,000 रुपए मिल जाएंगे। पर साहब ये तो बहुत ही कम है। भाई तुम्हें तो पता ही है इसमें छोटे से लेकर बड़े बाबू सबका हिस्सा होता है। मंजूर है तो बोलो नहीं तो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब जैसा आपको ठीक लगे। बाबा मेरी शादी तो हो जाएगी ना? जरूर बिटिया। देखा छोरे अपने देश का हाल। देखा उस बात पर रामलाल भी तो मजबूर है बेचारा, वो भी क्या करे। मजबूरी नहीं छोरे, इसको लेन देन कहते हैं, इसे तो भ्रष्टाचार कहते हैं। रामलाल भी बराबर का भागीदार है। जी उस्ताद ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। लगता है तू मेरी बात से सहमत नहीं। चल कोई बात नहीं, उधर तो देख क्या हो रहा है। उस्ताद उधर चल क्या रहा है? देख कैसे दवाइयाँ बेचने वालों ने कालाबाजारी चालू कर दी है, सस्ती दवाइयाँ महंगी में बेचते हैं। भाई जरा इंजेक्शन देना, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, वे आईसीयू में है, डॉक्टर ने जल्दी मंगवाया है। लीजिए बहन जी। कितने का है? 15,000 का। पर इस पर तो कीमत 600 लिखी है। बहन जी इंजेक्शन नहीं आ रहे हैं, ब्लैक में खरीदा है। अगर आपको चाहिए तो बताइए, वरना जाइए यहाँ से, मेरा टाइम मत बर्बाद कीजिए। इस कोरोना संकट में भी आप जैसे लोग इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बहन जी लेक्चर मत दीजिए, जाओ जाओ, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ लाइन में। ठीक है दे दो, पर ऐसे पैसों का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। देखा तुम्हारे कैसे लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा के कालाबाजारी कर रहे हैं, यह भी तो भ्रष्टाचार ही है। देखा उस्ताद पर इसका नतीजा क्या होगा? होगा क्या तुम्हारे, लोगों तो इसकी आदत पड़ गई है। क्या इससे भारी नुकसान नहीं होगा? होता क्यों नहीं तुम्हारे, पर इसके जिम्मेदार तो लोग खुद ही है, उधर तो देख। हाँ हाँ कोई बात नहीं। नेताजी नेताजी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मेरा बेटा ठीक तो है ना, कौन सा डॉक्टर उसको ऑपरेशन कर रहा है? घबराइए नहीं नेताजी, आपका ही भतीजा डॉक्टर आकाश उसको ऑपरेशन कर रहा है। क्या मेरा भतीजा, उसे तो आता ही कुछ नहीं, उसे तो मैंने ही सिफारिशी सीट दिलवाई थी MBBS में, अब तो मेरे बेटे को भगवान ही बचाए। ट्रिन ट्रिन हेलो, क्या क्या हुआ नेताजी? मेरा इकलौता बेटा मर गया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नेताजी ये सब तो आपके कर्मों का नतीजा है। याद है आपको, आपने गरीब लड़के की सीट अपने भतीजे को दे दी थी, ये सब तो होना ही था, उसी लड़के की माँ आपको मिलने आई है। नेताजी नेताजी आपके बेटे की मौत की खबर टीवी पर सुनी थी, बुरा हुआ। पर याद है ना वो दिन आपको, जिस दिन आपने मेरे बेटे की डॉक्टरी की सीट को छीन के अपने भतीजे को दी थी और मेरे बेटे ने इसी के चलते खुदकुशी की थी। आज भगवान ने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया, आज भगवान ने सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। पूरे काम का नतीजा बुरा ही हुआ।